हाय एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रविंदर मैथ्स हब आई एम रविंदर आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3 का थर्ड क्वेश्चन फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन्स फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सोल्यूशन बाय सब्सिट्यूशन मैथड हमें कुछ प्रॉब्लम्स गिवन है उनके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मीन्स दो दो इक्वेशन्स बनानी है। और बाद में उनका सोल्यूशन पता करना है सब्सिट्यूशन मैथड के साथ सो सब्सिट्यूशन मैथड को मैंने फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इस समय में फिर से हम uh, दो इक्वेशन्स बना के उनको सब्स्टिट्यूशन मैथड के साथ ही सॉल्व करते हैं फाइन सो फर्स्ट क्वेश्चन एज द डिफ्रेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ ट्वेंटी सिक्स एंड वन नंबर इज़ थ्री टाइम्स द अदर फाइंड दैम दो नंबर्स का डिफरेंस गिवन है दैट इज़ ट्वेंटी सिक्स एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर के तीन गुना है भाई हमें वो दोनों नंबर्स जो है वो फाइंड करने हैं सो दो नंबर्स की बात हुई है लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई एक नंबर एक्स और दूसरा वाई और अगर डिफरेंस की बात हुई है डिफरेंस है ट्वेंटी सिक्स मीन्स कि उन दोनों में से एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर छोटा तभी उस बड़े में से छोटे को माइनस करके पॉजिटिव आंसर आया ट्वेंटी सिक्स आंसर आया है ना पॉजिटिव सो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई और एक्स को हम बड़ा नंबर ले, ले लेते हैं वाई से ठीक है और डिफरेंस दोनों का कितना गिवन है ट्वेंटी सिक्स मीन्स एक्स माइनस वाई बड़े में से छोटा नंबर माइनस होके के ट्वेंटी सिक्स ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन भी बन गई सो सेकेंड इक्वेशन अब क्या बनेगी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट स्टेटमेंट में था कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर के तीन गुना है सो वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर नंबर थ्री टाइम्स मतलब थ्री मल्टीप्लाई बाय वाई देखिए अब यहाँ पे एक्स को थ्री वाई लिया है वाई को थ्री एक्स नहीं दिया है क्योंकि एक्स बड़ा है तो एक्स बड़ा है मीन्स कि वो वाई के तीन गुना होगा कि मान लीजिए अगर वाई हमारा थ्री होता तो एक्स कितना होता फिर थ्री इंटू थ्री दैट इज़ नाइन तो एक्स ही बड़ा नंबर बना है ना यहाँ पे सो so, तभी हमने बड़े नंबर को दूसरे जो छोटा नंबर है उसके तीन गुना यहाँ पे लिख दिया ठीक है स्टेटमेंट में गिवन था ये सो so, यहाँ से हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी कैसे बनेगी एक्स इज इक्वल टू थ्री इंटू वाई इज थ्री वाई और थ्री वाई जो है ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये प्लस का साइन है इसके साथ यहाँ पे आके ये माइनस हो जाएगा एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू ज़ीरो ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन सो इक्वेशंस बनाने का काम था फर्स्ट सो so ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई हैं अब दूसरा काम है इनको सॉल्व करने का तो जैसे हमने ऊपर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किया है वैसे ही इनको सॉल्व करेंगे एक इक्वेशन जो आपको इजी नज़र आ रही है वहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे जैसे ये मुझे थोड़ी इजी लग रही है ये भी इजी है लेकिन जो आपको ईजी आपको लगे वहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लेती हूँ फ्रॉम वन एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स प्लस वाई बिकॉज माइनस वाई है यहाँ पे, उधर जाके ये प्लस वाई हो जाएगा सो so, एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई हमने निकाल ली इसको मार्क कर देते हैं नंबर थ्री अब क्या करेंगे सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन फ्रॉम वन इन इक्वेशन टू दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे फर्स्ट में से वैल्यू निकाली है तो दूसरी में पुट करेंगे उसी में नहीं करेंगे ये गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर उसी में पुट कर देंगे तो आंसर नहीं आएगा सो फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू निकाली है तो दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं ये आएगा एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो दैट इज एक्स की वैल्यू ट्वेंटी सिक्स प्लस वाई और साथ में माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू ज़ीरो ये एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे फिल कर दी अब ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं एक्स ट्वेंटी सिक्स प्लस वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू ज़ीरो अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं वाई एंड माइनस थ्री वाई प्लस माइनस इज माइनस तो ये माइनस हो जाएंगी ये बना वाई माइनस थ्री दैट इज थ्री माइनस वन इज टू साथ में वाई ट्वेंटी सिक्स और बड़ा साइन जो है बड़ा नंबर जो है उसके साथ माइनस का साइन है तो टू वाई के साथ भी माइनस आ गया सो so, ये क्वेश्चन बन गई ट्वेंटी सिक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो अब क्या होगा ये कॉन्स्टेंट जो है ये उधर शिफ्ट हो जाएगा ये बन गया माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो माइनस ट्वेंटी सिक्स क्योंकि ट्वेंटी सिक्स इधर प्लस का था उधर जाके ये माइनस हो गया सो so ये हमारी क्वेश्चन बन गई माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वेंटी सिक्स अब एक एक टर्म बची है दोनों साइड्स में दोनों के साथ माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया वाई कितना बचा ट्वेंटी सिक्स अपॉन 2, क्योंकि टू और वाई जो है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो नंबर्स के बीच में कोई sign नहीं होता है, means multiply का sign होता का है, है तो तो ये 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 इसके साथ साथ, साथ, हो हो रहा था के साथ, ये divide हो के उधर जाके गया हमारी पे y हमारा बन गया थर्टीन तो एक नंबर हमें पता चल गया इसकी से अब हम सेकेंड नंबर जो एक्स था वो भी पता कर लेते हैं कैसे पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर थ्री जहाँ पे हमने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाली थी उसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो x का आंसर आ जाएगा सो so, x इज x इज इक्वल टू 26 सिक्स प्लस वाई दैट इज ट्वेंटी सिक्स प्लस थर्टीन तो ये प्लस करके बन रहा है 26 और 13 को प्लस करके बन रहा है हमारा 39 नाइन so, सो हमारा दूसरा जो नंबर है वो भी फाइंड आउट हो गया x इज इक्वल टू थर्टी नाइन देअ द टू नंबर्स आर दोनों नंबर्स हमारे क्या बन गए थर्टीन एंड थर्टी नाइन यहाँ पे हम लिख देते हैं द टू नंबर्स आर नंबर्स आर एक्स एंड वाई एक्स था थर्टी नाइन और वाई हमारा कितना बना थर्टीन दैट्स इट ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ द थर्ड क्वेश्चन सो so, अगर आपको कुछ डाउट्स आए हैं इसमें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए सो दैट जो आपको मेरी आने वाली वीडियोस हैं जिनमें मैं एनसीईआरटी के बाकी चैप्टर्स कवर करने वाली हूँ वो आपको टाइम पर मिलती रहे थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स